डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग देख लेते हैं हेनरी फोर्थ पार्ट वन की स्टोरी क्या है। ये जो हिस्टोरिकल प्ले है, इसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है और माना जाता है कि इसे लिखा गया है 1597 के दौरान। ठीक है, ये जो प्ले है वो ड्रामेटाइज करता है, यानी ड्रामा जो दिखाया गया इसमें है वो दिखाता है किंग हेनरी फोर्थ का, जो कि इंग्लैंड का राजा है। इसकी शुरुआत जो होती है बैटल एट होमिल्डन हिल, जो कि 1402 ईस्वी में शुरू होती है, इससे लेकर किंग हेनरीज विक्ट्री इन द बैटल ऑफ श्रूजबरी इन मिड 1403, तो ये 1402 से 1403 तक की लड़ाई को दिखाया गया है इसमें। ये जो है पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट को दिखाता है, जो कि पैरेलल चल रहा है किंग हेनरी और उसके रिबेलियस, यानी उसके कुछ विद्रोही लोग हैं जो उससे खुश नहीं हैं। और यहाँ पे किंग हेनरी का एक बेटा है जिसका नाम प्रिंस हॉल है, जो बाद में फ्यूचर किंग हेनरी फिफ्थ बनता है, तो उसी की ये कहानी है। सबसे पहले इसमें दो पार्ट में कैरेक्टर्स हैं, वो समझ लेना बहुत ज़रूरी है। एक पार्ट जो है वो किंग के पार्टी के लोग हैं, फर्स्ट पार्टी, जो कि किंग हेनरी का पार्टी है। ठीक है, इसमें किंग हेनरी द फोर्थ, जो किंग ऑफ इंग्लैंड है, उसका बेटा है जिसका नाम हेनरी प्रिंस ऑफ वेल्स, या प्रिंस हॉल आप उसको कह सकते हैं। बाद में यह हेनरी फिफ्थ बनता है, वह सबसे बड़ा बेटा है हेनरी फोर्थ का। अगला कैरेक्टर है जॉन ऑफ लैंकास्टर, जो कि किंग का दूसरा बेटा दिखाया गया, वास्तव में वह तीसरा बेटा है। राफ नेवेली अर्ल ऑफ वेस्टमोरलैंड, सर वॉल्टर ब्लमॉन्ट या ब्लंट जिसको कहते हैं, सर जॉन फॉलस्टाफ एक फ्रेंड है प्रिंस हॉल का, नेड पॉइंट्स, बारडोल्फ पेटो, मिस्ट्रेस क्विकली, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हेनरी फिफ्थ की तरफ है। अगले जो कैरेक्टर्स हैं, जो रिबेल्स हैं, विद्रोही हैं, उसमें सबसे पहले नाम आता है हेनरी पर्सी, अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर है थॉमस पर्सी, अर्ल ऑफ वर्सेस्टर। ठीक है, ये नॉर्थम्बरलैंड ब्रदर है, यानी नॉर्थम्बरलैंड का भाई है। हैरी पर्सी, जिसका नाम आप हॉट्स पर देखेंगे इसमें, जो नॉर्थम्बरलैंड का बेटा है। एडमंड मॉर्टिमर जो है वो हॉट्सपर का ब्रदर इन लॉ है, और ग्लेंडवर्ड्स सन इन लॉ, यानी ग्लेंडवर्ड का एक सन इन लॉ है ये। ओवेन ग्लेंडवर्ड जो है लीडर ऑफ द वेल्स रिबेल्स, इसमें दो जो रिबेल्स हैं यानी विद्रोही हैं उसमें वेल्स रिबेल्स हैं, और एक स्कॉटिश रिबेल भी है जो स्कॉटलैंड से हैं, जिसका नाम है आर्किबाल्ड अर्ल ऑफ डगलस, यह स्कॉटिश रिबेल है। सर रिचर्ड वर्नॉन, ये इस इन्हीं के पार्टी में है, और इस तरह से बहुत सारे कैरेक्टर इसमें हैं। लेडी पर्सी जो है वो हॉट्सपर की वाइफ है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इस ड्रामा में क्या खास है। यह ड्रामा जो है वो 5 एक्ट में है, यानी हेनरी फोर्थ पार्ट 1। शेक्सपियर के जो नाटक रहे हैं, जिसमें क्रोनोलॉजी अगर देखा जाए तो रिचर्ड 2 का नाम पहले आता है, तो रिचर्ड 2 जो है वो हेनरी बोलिंगब्रोक, जिसका नाम अभी हेनरी फोर्थ है, उसने इंग्लैंड की गद्दी को हथिया लिया है। अभी वह किंग हेनरी फोर्थ के नाम से जाना जाता है। जब वह इस गद्दी पे अपना हक जता रहा था, इसी दौरान वह अपने कजन का मर्डर करता है, जिसका नाम रिचर्ड 2 है, जो कि जेल में रहता है। ठीक है, और उसकी हत्या हो जाती है, और इस हत्या के बदले, यानी रिचर्ड की हत्या के बदले, हेनरी फोर्थ जो है वो पश्चाताप करना चाहता है और एक क्रूसेड पे जाना चाहता है जेरूसलम, यानी एक प्रकार से तीर्थ यात्रा करके वह पश्चाताप करना चाहता है। लेकिन जब वह जाने लगता है तो एक न्यूज आती है कि
इसके राज्य में सिविल अनरेस्ट हो गया है, लोगों ने विद्रोह कर दिया है। उसका कजन जो है एडमंड मॉर्टिमर, उसे कैप्चर कर लिया जाता है वोवेन ग्लैंडमर के द्वारा, ग्लैंडवर के द्वारा। उसका कजिन जो है, उसका कजन जो है एडमंड मॉर्टिमर जो है, उसे कैप्चर कर लिया जाता है ओवेन ग्लैंडवर के द्वारा, जो कि एक वेल्श रिबेल है। और एक फाइट चलती रहती है नॉर्थ में अर्ल ऑफ डगलस और हैरी हॉट्सपर के बीच में। और इस दौरान हेनरी जो है, हेनरी के जो पहले मिलकर इसका साथ देते हैं इसे राजा बनने में, उन लोगों के साथ इनकी लड़ाई होती रहती है, यानी वेल्श रिबेल के साथ हॉट्सपर जो है वो लड़ाई करता रहता है। ठीक है, किंग हेनरी जो है वो पश्चाताप करता है कि उसका बेटा जो है जिसका नाम हेनरी हॉल है, ठीक है, प्रिंस हॉल भी उसको कहते हैं, वो अधिकतर समय जो है वो टैवर्न में, टैवर्न ऑफ लंदन विद वैगाबाउंड्स एंड नेवर डू वेल्स, कहने करती है कि वह हमेशा खानाबदोश की तरह इधर उधर भटकता रहता है, वह अय्याशी करता है, वह वेश्याओं के पास जाता है। तो जो किंग है वो बहुत दुखी रहता है। ठीक है, यहां पर जो किंग है वो हॉटस्पर से एक अलायंस की बात करता है कि फिर से वह उसकी मदद करे ताकि वह वेल्श में जो विद्रोह हो रहा है उसको दबाया जा सके। लेकिन हॉटस्पर जो है वह राजा की मदद करना अब नहीं चाहता है। वह कहता है कि उसने बहुत पहले ही मदद की है, उसके परिवार ने भी उसकी बहुत मदद की है, लेकिन अब वह उसकी मदद नहीं करेगा। यहां पर एक्ट वन की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक्ट टू की। मीनवाइल जो प्रिंस हॉल रहता है वो बोर्स हेड टैवर्न, एक टैवर्न है एक तरह से, जहां पर लोग खाने पीने के लिए जाते हैं, नाच गाने के लिए जाते हैं। वो अपने दोस्त के साथ मजे करता रहता है और उसका दोस्त जो है उसका नाम है सर जॉन फॉलस्टॉफ। फॉलस्टॉफ जो है वो किसी भी तरह से पैसे इकट्ठा करता है और अपनी अय्याशी पे लुटाता है। तो इसके लिए वह एक ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स को लूटता है, जो फॉलस्टॉफ है वो अपने दोस्तों के साथ। लेकिन इसमें उसके कुछ दोस्त भी शामिल रहते हैं जिसका नाम बारडोल्फ है, नीम है। और फॉलस्टॉफ जो है वो यह रॉबरी जब करता है उसी समय एक डिस्गाइज में रूप बदलकर प्रिंस हॉल जो है वो अपने कंपेनियन, अपने साथी पॉइंट्स के साथ जाकर फॉलस्टॉफ पे अटैक कर देता है और उसके लूटे हुए सारे सामान को ये लूट लेता है। और वो फिर से उसी टैवर्न में आ जाता है, उसी जहां पर ये नाश्ते गाते हैं पीते हैं, वहां पर वो फिर से वापस आ जाता है। और वो बताते हैं कि फॉलस्टॉफ को उन लोगों ने कैसे लूटा है और उसके साथ ट्रिक करते हैं, और इसके कारण थोड़ा सा उसका मजाक भी उड़ता है। इसी दौरान प्रिंस हॉल को बुलाया जाता है कोर्ट में, यानी राजा के दरबार में, क्योंकि अब सिविल वॉर चल रहा है, विद्रोहियों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया है। प्रिंस हॉल को उसका पिता बहुत डांटता फटकारता है, उससे कहता है कि बहुत ही बेवार्ड हो गया है, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, उसे राजकाज में ध्यान देना चाहिए, लेकिन वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। जब हॉल को डांट पड़ती है तो उसका दोस्त फॉलस्टॉफ जो है उसे बचाने की कोशिश करता है, उसका पक्ष लेता है। दूसरी तरफ हॉल भी जो है फॉलस्टॉफ को लॉ से बचाता है, यानी कानून से बचाता है, और इसने जो पैसे लूटे हुए होते हैं वह उसके मालिकों को वापस करा देता है। इस तरीके से एक्ट टू की समाप्ति हो जाती है। एक्ट थ्री में जो है सिविल वॉर जो है और भी सीरियस हो जाता है। हॉट्सपर जो है अपने पिता से जाकर मिलता है, अपने पिता के अलायंस से जाकर मिलता है, और दूसरे यानी राजा के जो दूसरे एनिमीज होते हैं उससे जाकर गठबंधन कर लेता है। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर जेलस ऑफ किंग हेनरीज ग्रोइंग पावर, और किंग हेनरी के बढ़ते हुए ताकत से ये लोग सब जलते थे। तो हॉट्सपर जो है वो श्रूसबरी चला जाता है और अपने पिता के ट्रूप से मिलता है, और ये सारे लोग मिलकर यानी जितने भी स्कॉटिश और
वेल्श ये जो रिबेल्स हैं दोनों मिलकर रिबेल करना शुरू कर देते हैं, विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। हॉल जो है अपने पिता के पास जाता है और उससे बात करता है और हेनरी किंग फोर्थ जो है वह उसे कमांड देता है कि वह आर्मी लेकर वो हॉटस्पर से मिले। और रास्ते में हॉल जो है वो फॉलस्टॉप से मिलता है और बहुत सारे नए नए योद्धाओं को अपने ग्रुप में शामिल करता है ताकि ये लोग लड़ाई कर सकें। तो इस तरीके से एक्ट थ्री यहां खत्म होता है। एक्ट फोर जो है द किंग ऑफर्स टू पार्डन एंड फ्री हॉटस्पर इफ ही विल विदड्रॉ हिज अपोजिशन टू द थ्रोन। वो कहता है कि मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा, हॉटस्पर को चूंकि यहां पर अरेस्ट कर लिया जाता है और वो कहता है कि उसे इन लोगों का विरोध करना छोड़ देना चाहिए। उधर नॉर्दर्न ट्रूप्स जो हैं वो हॉटस्पर और वोर्सेस्टर को ढूंढ नहीं पाते हैं। हॉटस्पर को एडवाइस दिया जाता है उसके सहयोगी आर्क बिशप ऑफ यॉर्क के द्वारा कि वो लड़ाई न करें। वोर्सेस्टर जो हॉटस्पर का साथी है वो भी इस बात का ध्यान रखता है कि कैसे राजा ने ऑफर दिया है कि अगर वह इनका साथ देना यानी रिवेल्स का साथ देना छोड़ देगा तो उसे आज़ादी दे देगा, लेकिन हॉटस्पर नहीं मानता है और तभी बैटल ऑफ श्रूजबरी शुरू हो जाती है। ठीक है, वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है बैटल ऑफ श्रूजबरी की। एक्ट फाइव जो है जो फाइनल एक्ट है, फॉलस्टॉप जो है वो बहुत ही मौत से डरता है और वह लड़ाई में बहुत घायल हो जाता है, लेकिन अपनी बुद्धि के कारण वह बच जाता है क्योंकि जब वह घायल हो जाता है तो वह मरने का नाटक करता है जिसके कारण वह बच जाता है। हॉल जो है बहुत ही वीरता के साथ लड़ता है, ही फाइट्स वैलेंटली इन द बैटल और अपने पिता को बचाता है फ्रॉम हार्म इन कम्बैट विद डगलस, और डगलस के साथ उसके पिता की लड़ाई होती रहती है लेकिन वह अपने पिता को बचाता है जो कि दूसरा विद्रोही रहता है, डगलस जो दूसरा विद्रोही रहता है, और इसी लड़ाई में वह हॉटस्पर को मार डालता है। फॉलस्टॉफ जो है वो बच निकलता है वहां से क्योंकि वह झूठ मूठ का ड्रामा कर देता है कि वह मर चुका है, और किंग के फोर्सेस जो हैं वो जीत जाते हैं यानी हेनरी फोर्थ की विजय हो जाती है और वो सिस्टर जो है उसकी भी हत्या कर दी जाती है, वो भी मारा जाता है। हॉल जो है वो डगलस को फ्री कर देता है और हेनरी फोर्थ जो है वो सारे फोर्सेस को बांट देता है और ये लड़ाई आगे चलती रहती है जो कि अब हेनरी फोर्थ पार्ट टू में जारी रहती है। तो इस तरीके से ये पांच एक्ट का प्ले है जिसमें ये कहानी हेनरी फोर्थ पार्ट वन की है।